जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में ट्रेड वन के लिए मैथमेटिक्स करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम अभी हुआ है 21 मार्च को। आप लोग वेट कर रहे होंगे मैथ्स का सोल्यूशन का, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो ट्रेड वन का मैथ है, अभी एग्जामिनेशन होने वाला है किस किस का, CRPF और SSV का, तो इन दोनों में भी सिमिलर ही मैथ आएंगे, मैथ्स के पैटर्न चेंज नहीं होने वाले, सिमिलर पैटर्न आएंगे। तो वो विद्यार्थी जो CRPF में एग्जाम देने जाएंगे या SSV में एग्जाम देने जाएंगे ट्रेडमेंट का, तो वो इस मैथ को जरूर देखें, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 21 से कराएंगे। और 21 में दिया गया है कि एक बैग है जो कि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के से भरा हुआ है, उनका रेशियो क्या है, 3:4:5, ठीक है, ये उनका अनुपात दिया गया है। इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है 12 रुपया है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न और शानदार प्रश्न, मैं आपको आसान तरीकों से सॉल्व करना सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर बातचीत की गई है 50 पैसे, ठीक है, अनुपात 25 पैसे अनुपात 10 पैसे, ठीक है, ये जो अनुपात दिया गया है 3:4:5 का, वह इन पैसों का है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि टोटल अमाउंट 12 रुपया है, ठीक है, यहां पर सिक्कों का विवरण पैसे में है और इसको कर दिया 12 रुपया, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, यदि सभी रुपए में होते तो इसको भी रुपए में कंसीडर करते, ठीक है, लेकिन यहां पर बाकी सिक्के जो है वह पैसे वाले हैं, तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो 12 × 100 = 1200 हो गया, ठीक है, इतने पैसे हैं। अब आपको आएगा मजा, ठीक है। अब देखिए क्या है, मानते हैं अनुपातिक राशि बराबर x, ठीक है, 50 पैसे के 3:3, ठीक है, प्लस 25 पैसे के 4x प्लस 10 पैसे के 5x जो कि बराबर है 1200 पैसे के, ठीक है, प्रश्न हो गया सॉल्व। अभी सबको ऐड कीजिए, तो 150x प्लस 100x प्लस 50x इक्वल्स टू 1200, 300x इक्वल्स टू 1200, x इक्वल्स टू क्या हो गया 1200 / 300, देख लीजिए आप लोग, है ना, x इक्वल्स टू 4 निकल कर आया। आपसे क्या पूछा कि 25 पैसे वाले ना, तो 25 पैसे वाले भैया 4, और हमने यहां पर अनुपातिक राशि x माना है, तो 4x हो गए, तो 4 × x की वैल्यू डालिए 4 इक्वल्स टू 16 कॉइन सिक्के, ठीक है, तो 16 आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो गया, बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, एक नंबर तो यहां से वह प्राप्त कर गया, ठीक है। और आंसर की भी आ चुका है सभी पार्ट का, ABCD आपका जो भी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। 21 आपका सॉल्व हो गया, चलिए आगे बढ़िए। 22 दिया है कि अनिल जो है एक मेज को 10% लाभ पर कमल को बेचता है और कमल 12% लाभ पर रजत को बेचता है, यदि रजत इसके लिए 246.40 का भुगतान करता है तो अनिल को कितने पैसे मिले। बहुत ही आसान है, ठीक है, मानते हैं कि अनिल को मिला ₹2, तो कुल भुगतान बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या करते हैं, मान लेते हैं अनिल को ₹2 मिला, ठीक है, और कुल भुगतान किया गया है 246.40। देखिए प्रश्न सॉल्व हो गया, परसेंटेज वाला मैंने बता रखा है, परसेंटेज के अनुसार इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां पर अनिल को जो मिला वो इनटू 100 प्लस पहले कितने बचा था 10% ना, तो लीजिए 10/100 कर दीजिए, फिर लीजिए फिर दूसरी बार 12% पर लाभ पर बेचा गया है, तो 100 + 12/100 हो गया प्रश्न सॉल्व। अब पी की वैल्यू निकाल दीजिए, तो देखिए एक बार पहले इसको मैं लिख देता हूं, 246.40 इक्वल्स टू पी इंटू 110/100 इंटू 112/100, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू 24640 पॉइंट वाला है इंटू, ये लीजिए आप 100 दीजिए पहले 100, क्योंकि ये सब ऊपर चला जाएगा ना, इंटू फिर 100 दीजिए और बाय में ये दोनों आ गए नीचे, 110 × 112, ठीक है।
अब इससे इसको काट दिए, ठीक है, अब ये हटाइए इंटू 100, इससे ये कट गया, ठीक है। और काटना है, काटिए 11 से काटिए, तो 11 टू जा, टू जा, फोर जा, ठीक है, कट गया। और काटना है, देखिए ये 112 टू जा हो जाएगा, ये हो गया 20। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, एक तो आपका 20 यहां बचा हुआ है और दूसरा आपका 10 यहां पर बचा हुआ है, इंटू 10 इक्वल्स टू 200 रुपीज, ठीक है। तो अनिल को कितना मिला, 200 रुपीज मिला। कहां दिया गया है, 22 के सी में दिया गया है, यहां पर बच्चा हो गया गलत, ठीक है। तो 22 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23rd। तो यहां पर दिया गया है, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज 76 एंड इट्स एरिया इज 360, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन हम कर देंगे सॉल्व। यहां पर बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, बस ध्यान दीजिएगा और लीजिए, थोड़ा सा प्रश्न भी ले आते हैं तभी तो मजा आएगा। हाँ, ये आपका प्रश्न आ गया, कह रहा है कि एक आयत का परिमाप जो है वह 76 है, अर्थात 2 × L + B = 76, और कहता है उसका क्षेत्रफल 360 है, L × B = 360। जब ऐसा कंडीशन दे देना तो प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना, और वो कैसे करोगे, चलिए मैं सिखा देता हूं। क्या करना कि इसमें से किसी एक का वैल्यू निकाल दो, L या B का। सबसे पहले तो इसको काटो, ये हो गया आपका 38। अब आपके पास क्या आ गया, L + B = 38, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L = 38 - B, ये वैल्यू आपको आ गई L की। यही वैल्यू अब इसमें डाल दीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए L बराबर क्या निकला, 38 - B, तो 38 - B × B = 360 बन गया इक्वेशन। कैसे, देख लीजिए, 38B - B² = 360। चालाक हैं आप, क्या करेंगे, इस सबको इधर ले आइए, तो B² - 38B + 360 = 0। और चालाकी दिखाइए, इसको तोड़िए, तोड़ने आता है ना, यहां पर यदि हम 20 + 18 करते हैं तो ये आपका 38 आता है, तोड़ दीजिए, फिर ये हो गया B² - 20B - 18B + 36 = 0। ये आ गया, B कॉमन कीजिए, B - 20 - 18 कॉमन कीजिए, B - 20 = 0। क्या क्या आ गया, B - 18 और B - 20 = 0। तो B की वैल्यू क्या सब आएगी, एक बार तो B - 18 = 0, तो B = 18 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू B - 20 = 0, तो B = 20। आपके पास दो दो वैल्यू है, लेकिन पूछा क्या है, सबसे छोटी वाली ना, तो छोटी वैल्यू 18 है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, 18। बिल्कुल सही किया बच्चे ने, एक अंक इसको यहां पर प्राप्त हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 24 दिया गया है, हाउ मच टाइम विल टेक फॉर अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 450 की एक रकम पर 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹81 अर्जित करना है, इसमें कितना समय लगेगा, बहुत ही आसान है। देखिए SI इक्वल्स टू क्या होता है, SI इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर, और दर में 100 हो जाता है, ठीक है, पुट कर दीजिए ना, ऐसा ही आपका ₹81 है इक्वल्स टू 450 × 4.5 × R/100, ठीक है, ये लीजिए, हटाइए 10 नीचे आ गया, ठीक है। चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 9 जा 9 5 जा, ठीक है। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़िए, 20 जा, ठीक है, फिर पहाड़ा पढ़ लीजिए एक बार, देखिए 9 5 जा, ठीक है। चलिए अब यहां पर 1 आ गया, 1 जो कि बराबर है 5R/20 के, तो 5R = क्या हो जाएगा, 20R = क्या हो गया, 20/5 = 4। 4 वर्ष आपका निकल कर चला आया, कहां दिया गया है, डी में। चलिए एक अंक बच्चे को आराम से प्राप्त हो गया, उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और 25 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं निकालिए। बहुत ही आसान प्रश्न। मैंने आप लोग को 18 चैप्टर कराया था और कहा था कि पढ़ के जाना ये सारे चैप्टर्स। जिस जिसने मेरी बात फॉलो करी होगी वो फायदे में है। चलिए देखिए यहां पर कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। 25 जैसे दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2490। दो संख्याएं हमने ले ली x और y जो कि 2490 के बराबर है। वेरी गुड। अब कहता है कि 6.5% एक संख्या का और दूसरी संख्या के 8.5% के। मानते हैं अनुपातिक राशि बराबर x। ये अनुपातिक राशि जो मान लेते हैं ना, प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6.5 इंटू एक्स प्लस 8.5 इंटू एक्स जो कि परसेंटेज के रूप में है और ये बराबर है 2490 के। प्रश्न में ऐसा कहा ना, इन दोनों को सम कर दीजिए। 6.5x प्लस 8.5x, एक बार मैं लिख देता हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 6.5x प्लस 8.5x जो कि परसेंट के रूप में है इक्वल्स टू 2490। इन दोनों का योग कीजिए तो ये आ गया 15x और ये इसका परसेंटेज इक्वल्स टू 2490। परसेंटेज हटाइए तो 15x बाय 100 इक्वल्स टू 2490। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2490 इंटू 100 बटे 15। ठीक है, काटिए 5 जा काटिए 20 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, इससे काटिए 8 3 जा 24 3 3 जा 90 तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 830 इंटू 20। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है 16600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा, संख्या निकालना है ना, संख्या निकाल लोगे बताओ। अब आपको x आ चुका है, x का 6.5% निकाल दो, x का 8.5% निकाल दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो यहां पर 6600 इंटू 6.5 बाय 100, लो कट गया, 166 को 6.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1079 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या याद करो, 16600 इंटू 8.5 बाय 100, ये कट गया, 166 को 8.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आपको 1411 आएगा। दो संख्याएं आ चुकी है 1079 और 1411, है ना, ढूंढिए, ये आपके ए में दिया गया, बच्चे बिल्कुल सही करके आए हैं। ठीक है, तो 25 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है, एक कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन 8 आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 4.4 आवर एट द सेम स्पीड। ठीक है, कोई कार है 8 घंटे में 200 किलोमीटर चली तो स्पीड निकाल लीजिए 200/8। ठीक है, वेरी गुड, ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा 4.4 घंटे में, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, 25 इंटू 4.4 इक्वल्स टू 110 किलोमीटर। कहां दिया गया है, बी में, एकदम बिल्कुल सही है बच्चा। चलिए अच्छा मार्क्स हासिल कर रहा है इसमें। हिंदी में तो थोड़ी सी गलती हुई थी और हिंदी में मुझसे भी एक गलती हुई, आशीर्वाद वाले में, आशीर्वाद वाले का उत्तर बी होगा याद रखना। ठीक है, और मैंने शायद हर्षिकार बता दिया, दीर्घिकार होगा वहां पे आप सही कर लेना। ठीक है, हिंदी वाले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है और यहां पर रेशियो है, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ अल्काज एंड प्लक्स एज इज 7:5 एंड द सम ऑफ देयर एज इज 36 ईयर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 9 ईयर। ठीक है, अलका एवं पलक की आयु का अनुपात 7:5 है एवं उनकी आयु का योग 36 वर्ष है तो 9 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले अनुपातिक राशि x माने और इनके अनुपात में 7x प्लस 5x इक्वल्स टू 36, ऐसा पहले सेंटेंस से कह रहा है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12x इक्वल्स टू 36 तो x इक्वल्स टू 36 बाय 12 इक्वल्स टू 3, तो दोनों का उम्र देख लो तो 7 × 3 इक्वल्स टू 21 और फिर कह रहा है 5 × 3 इक्वल्स टू 15, दोनों का उम्र भी निकल के चला आया। अब कह रहा है कि 9 वर्ष पश्चात, 9 वर्ष बाद चलिए तो इसमें भी 9 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 9 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हुआ तो ये आपका 30 हो गया
और इसमें ऐड हुआ तो ये आपका 24, ठीक है। अब देखिए दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, काटिए 6 5 जा 6 4 जा, ठीक है, तो 5:4 निकल के आ गया जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 27 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े 28 जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न, सिमिलर प्रश्न और बहुत ही अच्छा है, सरल करने वाला था, बस बच्चे को फंसाने के लिए ऐसा दिया गया है। कह रहा है कि 120% ऑफ 675 प्लस 92 इक्वल्स टू बराबर है इसके परसेंट ऑफ 1240 प्लस 716 के। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ये सॉल्व कर लेते प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। 120 बाय 100 क्योंकि परसेंटेज दिया गया है इनटू 675, ठीक है, प्लस 92 जो कि बराबर है एक्स मान लीजिए एक्स बाय 100 के इनटू 1240, ठीक है, और यहां पर है प्लस में 716, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इससे ये कट गया, ये 6, ठीक है, 6 लिखिए इसको, ये 5, ठीक है, इससे इसको काटिए 135 टाइम्स में कट गया और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 810 निकल गया प्लस 92, और इसको धाके इधर ले आते हैं माइनस 716 जो कि बराबर है एक्स बाय 100 इंटू 1240 के। इससे एक काट लीजिए ताकि आसान हो जाए। अब इन सब का सम कीजिए तो ये हो गए 902 माइनस 716, ठीक है, और ये आपका हो गया 124x बाय 10, ठीक है, और ये आपका निकल के आ गया 186, ठीक है, 186 इंटू 10 बाय 124 इक्वल्स टू x, x की वैल्यू हमें निकालनी है ना। अब काटो भैया, दो से काटते हैं तो कितने में कट जाएगा, ये कट गया आपके 6 और 2 टाइम में, ठीक है, ये आपके 5 टाइम्स में। अब यदि 62 से इसको काटते हैं तो 3 टाइम्स में पूर्णतया कट गया, तो 3 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स, तो 15 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, अर्थात यहां पर क्या आता, इस जगह पर 15% होगा, ठीक है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, 28 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े 29 आपको दिया गया है, एक आदमी है जो कि कुछ आम खरीदता है और वह 12 रुपए प्रति दर्जन खरीदा, फिर उतना ही आम 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदा, उसने क्या किया कि इन सब आम को 13 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा और 160 रुपए का लाभ कमाया। बहुत ही आसान प्रश्न, बच्चे इसमें यदि लेंदी गए होंगे तो फंस जाएंगे, यदि शॉर्ट गए होंगे तो मिनट में कर लेंगे। शॉर्ट कैसे होगा ये देखो, यहां पर ना दो दर्जन को पहले कंपेयर करो, एक बार तो उसने 12 रुपए और एक बार उसने 10 रुपए लगाए, तो कुल कितने लगाए, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 12 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 रुपए उसने लगाए, और उसने उस दोनों दर्जन को यदि 13 रुपए प्रति दर्जन करके बेचा तो कितना कमाया, एसपी देखिए, एसपी इक्वल्स टू 13 × 2 इक्वल्स टू 26, लाभ कितने का हुआ 26 माइनस 22 इक्वल्स टू 4, 4 रुपए का लाभ दो दर्जन पर हो रहा है, ठीक है, तो एक दर्जन का लाभ क्या हो जाएगा बताइए, तो एक दर्जन का लाभ बराबर 4/2 इक्वल्स टू 2 रुपया, उसने कुल कितना कमाया 160 रुपया ना, तो कुल लाभ जो है कुल लाभ वह 160 रुपया है, तो कितना दर्जन होगा, प्रति दर्जन 2 रुपए लाभ हो रहा है, तो भाई 2 से डिवाइड कर दो, कितने दर्जन निकल के आ जाएंगे 80 दर्जन, ठीक है, प्रश्न आपका सॉल्व, 29 का सी उत्तर, ठीक है। दोस्तों आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, ठीक है, आप यहां से जुड़ सकते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें, जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है,
मोटिवेशनल चीजें होती हैं वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 30 दिया गया है, एक वृत्तीय सड़क और वृत्ताकार मैदान है। तो सड़क जो है वह मैदान के चारों ओर है और मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या में 44 मीटर का अंतर है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये देखना। अंदर से क्या है कि एक मैदान है और इसका जो रेडियस है वह 7 मीटर दिया गया है। इसके बाहर से एक रास्ता है और हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है कि आंतरिक मैदान जो है इस मैदान के सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि और रोड के साथ परिधि में कुल 44 मीटर का अंतर है। तो प्रश्न यहां से सॉल्व हो गया। अब यहां पर आपको आंतरिक मैदान का त्रिज्या जो कि 7 मीटर दिया है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr होता है ना, तो 2 × 22 × 7 और ये आ गया 7, इससे ये कट गया इक्वल्स टू 44। ठीक है, 44 मीटर इसका सरकमफ्रेंस निकल के आया। अब यह कहता है कि आपका जो आंतरिक परिधि है 44 मीटर और बाह्य वाली परिधि है उस दोनों का अंतर जो है वह 44 मीटर है। तो बाह्य परिधि क्या हो जाएगा, बाह्य परिधि जो है वह 44 प्लस अंतर इक्वल्स टू 88 मीटर हो गया। अब जब वाई का आपको क्या आ गया, परिधि आ गया, तो इसका आप रेडियस निकाल दो, 2πr इक्वल्स टू 88, ये आपका 44, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44 × 7/22, ये कट गया 2 × 14 निकल के आ गया, आ गया ना। अब देखिए आंतरिक और बाह्य दोनों त्रिज्या आपके पास है, इसको आप r1 मानो, 7 वाला जो है इसको R1 मान लेते हैं, ये R1 है और ये आपका R2 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों के एरिया घटा लेंगे, तो यहां पर देखिए पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा इस रोड का क्षेत्रफल, तो निकाल दीजिए, ये हो गया देखिए 22/7 × 14 × 14 माइनस 22/7 × 7 × 7, इससे ये कट गया, इससे 2 times में ये कट गया। ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा, 44 × 14, यहाँ पर 14 है, ठीक है, और ये हो गया 22 × 7, ठीक है, ये 616 हो गया और ये 154 हो गया, इक्वल्स टू 462 निकल के चला आया। अर्थात सड़क का क्षेत्रफल क्या है 462 मीटर, जो कि बी में दिया गया है, तो 30 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बच्चे इसमें फंसे होंगे, चलिए और इसको चुटकी में आपको सिखा देता हूं कैसे सॉल्व करना है। यहां पर क्या कह रहा है कि दो पाइप है, एक 20 मिनट में भरता है, एक 40 मिनट में भरता है, और एक जो है वेस्ट पाइप जो कि खोलने पे पानी निकलता है तो वह 35 गैलन प्रति मिनट पानी निकालता है। तो यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। बाकी मिनट तो क्लियर दिया गया है लेकिन यहाँ पर 1 घंटे वाला आपको याद रखना है, 60 मिनट का टाइम है। तो टंकी की क्षमता क्या है ये आपको बतानी है, बहुत ही सिंपल, देखिए 1/20 प्लस 1/40, खाली करने की क्षमता 1/x मान लीजिए, और समय कितना दिया गया है 1/60। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, तो क्या कीजिए इस 1/x को इधर लाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया 1/20 प्लस 1/40 माइनस 1/60 इक्वल्स टू 1/x, सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो गया 120, ये आपका हो गया 6 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/x,
और ये आपका हो गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 7/120 इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 120/7, आपसे क्या पूछा कैपेसिटी ना क्षमता ना, तो क्या हो जाएगा क्षमता देखिए 120/7 और खाली कितना करता है, खाली करता है 35 गैलन प्रति मिनट इंटू 35, ये लीजिए 5 जा में, ठीक है। कितना हो गया 120 इंटू 5 इक्वल्स टू 600 गैलन, ठीक है। तो टंकी की क्षमता क्या थी 600 गैलन, उत्तर आ गया आपका 31 का उत्तर बी हो जाएगा। बस इस प्रकार से इसको चुटकी में सॉल्व कर देना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 दिया गया है, टोटल सैलरी ऑफ 3% एबीसीआर रुपीज 1,44,000, दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% रिस्पेक्टिवली। If their saving are in the ratio 8:9:20, then find the C salary. तीन व्यक्ति हैं ABC, इनका सैलरी 1,44,000 रुपए है तीनों का, ठीक है, कुल वेतन। वे क्या करते हैं क्रमशः 80%, 85% और 75% पे करते हैं। यदि उनके बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो C का वेतन क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न, बस इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो दिमाग खोल कर बैठिए। सैलरी जो भी है उस पे उन्होंने स्पेंड कितना किया, खर्च कितना किया, खर्च किया 100 का 80% ए ने, एक लीजिए ए ने 80% खर्च किया, तो बचत कितना हुआ उसका, सेविंग कितना हुआ, सेविंग उसका 20% हुआ, ठीक है। और 20% का रेशियो अनुपात दिया हुआ है और अनुपातिक राशि x मान लीजिए, तो अनुपात दे दिया उसका 8, ठीक है, अर्थात 8x। गुड, बी का लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बी आपका हो गया 85% वो खर्च करता है, बचत उसका भैया 15% हो जाता है और रेशियो उसका 9x है, ठीक है। सी का देखिए, सी का आपका 75% खर्च करता है, भैया ज्यादा बचा लेता है, 25% बचाया और इसका अनुपातिक राशि 20x हो जाता है। अब जब आपके पास बचत परसेंट है और रेशियो है तो प्रश्न आपका सॉल्व हो सकता है। अब जो ट्रिक लगाएंगे इस पे आप ध्यान रखना, इन सभी को जो बचत परसेंटेज निकला इन सबका 100% निकाल दो। यदि आप 100% निकाल लेते हो तो प्रश्न आपका आसानी से यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। कैसे निकालोगे, देखो 20 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाता है, तो 20 × 5 इक्वल्स टू 100% हो जाएगा। तो फिर रेशियो में कितनी वृद्धि होगी, 5 गुना ना, तो 8x × 5 इक्वल्स टू 40x चला आता है, ठीक है। सिमिलर इसी प्रकार 15 को यदि हम 6.66, ठीक है, मैं यहां पर एक ही 6 लेके चल रहा हूं, अप्रोक्स मान रहा हूं वैल्यू, तो 100 हो गया। सिमिलर इसी प्रकार 9x × 6.6 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चला हूं, ठीक है। यदि आपको मल्टीप्लीकेशन करके प्रूफ करना हो तो 6.666 ले लेना। अब 25 × 4 करते हैं तो हमें 100 आता है, तो 20x × 4 इक्वल्स टू 80x, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। सी की सैलरी निकालना है ना, कैसे निकलेगा, सी की सैलरी इक्वल्स टू कुल सैलरी 1,44,000, ठीक है, इंटू सी का रेशियो कितना आ गया 80x ना, लीजिए 80x बाय नीचे में क्या हो जाएगा इन सब का सम, तो 40+60 इक्वल्स टू 100 और 100+80 इक्वल्स टू 180x, तो 180x, ठीक है। x से x काटिए, इससे ये काट लीजिए, ठीक है, और इससे जब काटिएगा तो ये आपके 8000 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब 8000 × 8 कीजिए, 8000 × 8 इक्वल्स टू 64,000 के बराबर हो जाएगा। क्या 64,000 है, यस, बी में दिया गया है, 32 का बी उत्तर हो गया। इससे कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, बस आपको क्या करना है, पहले जो परसेंटेज दी गई है खर्च और बचत का उसको हम लोग लिखे, फिर इक्वल्स टू 100% कर दिए, सबको सम किए, निकल गया, है ना। इससे बेहतरीन ट्रिक और कुछ नहीं है, ठीक है, सीख लीजिए एक बार। इसलिए मैंने बहुत ही आराम से बताया है ताकि प्रश्न आप आसानी से कर जाओगे।
अगला प्रश्न क्षमता वाला है और ये मैंने कई बार बता रखा है, 8 पुरुष इक्वल्स टू 12 ओमेन, क्योंकि यहां पर दिया गया है 8 men or 12 women can do a piece of work in 25 days, अर्थात यदि 8 पुरुष या 12 महिला किसी कार्य को 25 दिन में करती है तो 6 पुरुष एवं 11 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी। बहुत ही आसान है, 8 पुरुष इक्वल्स टू 12 ओमेन, काटिए 4 2 जा 4 3 जा, तो 2 पुरुष इक्वल्स टू 3 ओमेन, तो 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 1 पुरुष बराबर 3/2 ओमेन निकल गया। अब इसी इक्वेशन से 6 पुरुष और 11 महिला, 6 पुरुष ठीक है और 11 महिला से हमें काम करवाना है, तो किसी एक में चेंज कर दो। मैंने यहां पर आपको निकाल दिया है ना, 1 पुरुष बराबर 3/2 महिला, तो 6 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 6 into 3/2 ओमेन महिला, यहां पर ओमेन लिखो क्योंकि कॉमन देगा, ये देखिए 3 3 जा इक्वल्स टू क्या हो गया 9 ओमेन। अब आगे आपको 6 पुरुष की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 ओमेन प्लस 11 ओमेन, कुल ओमेन की संख्या 20 हो गई। अब प्रश्न में आपसे कहता है कि 12 महिला किसी एक काम को 25 दिन में करती है, तो एक महिला उसी एक काम को 25 into 12 दिन में करेगी, तो 20 महिला उसी एक काम को 25 into 12/20, ठीक है 5 5 जा 5 4 जा 4 3 जा, क्या आ गया 5 into 3 equals to 15 days, 15 दिन निकल के आ गए, 15 दिन आपके सी में दिए गए हैं, तो 33 का सी उत्तर हो गया। बहुत ही अच्छा, बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना था। आगे बढ़े, 34 आपको दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड टू 40 मीटर एंड 60 मीटर। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और इसमें कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है वह एक आयत के जिसकी भुजा 240 मीटर और 60 मीटर है उसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, यदि हम वर्ग और आयत पढ़े हैं तो प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे, यहां पर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया दोनों का बराबर है, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 240 इंटू 60, और 240 बराबर क्या होता है 240 बराबर 60 इंटू 4, तो ये हो गया 60 इंटू 4, को 2 इंटू 2 कर लो क्योंकि हमें क्या करना है इसको बाहर निकालना है, तो ये क्या आ गया, देखिए ये हो गया 60 का स्क्वायर ठीक है इंटू 2 का स्क्वायर। अब बताइए टोटल स्क्वायर हटाइए तो क्या हो जाएगा, ये 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 120 मीटर। बहुत ही खूबसूरत, बच्चे ने बहुत बढ़िया किया है, तो 34 का उत्तर सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, 35 आपको दिया गया है, HCF और LCM महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक है, 4 और 48, एक संख्या 24 है दूसरी संख्या, बहुत ही आसान है ये तो आप ज्ञात कर दिए होंगे, लौसा गुने मौसा बटे एक संख्या, तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, डी में दिया गया है तो 35 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। सारे प्रश्न आसानी से समझ रहे हैं और ये सभी ट्रेडमैन एग्जाम में आएगा, तो इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। SSB हो, CISF हो, ITVP हो, जो भी हो आपका, उस सभी ट्रेडमैन एग्जाम में ये आने वाले हैं, आर्मी छोड़कर, ठीक है। तो इसे देखिए, पढ़िए, सीखिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह एवरेज औसत से है, और इसमें दिया गया है आपको कि 20 लड़के का एक समूह है जिसका औसत वजन जो है वह 89.4 किलोग्राम है। अब कहता है कि बाद में लोग ये देखते हैं कि जो वजन 87 किलोग्राम था उसके बजाय 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया, अर्थात कम पढ़ा गया ना, यहां पर यह भी चीज देख लेना, तो 87 की जगह उन्होंने पढ़ लिया 78, घटा दो 9 kg उन्होंने कम पढ़ा। अब कहते हैं कि सही औसत बताइए, तो सही औसत ले लीजिए, 20 बच्चे हैं और पहले आ रहा है 89.4 जो कि बराबर होता है 1788 के। अब कहते हैं 9 किलोग्राम कम पढ़ा गया, तो 9 किलोग्राम ऐड कर दो,
ये हो जाएगा आपका 1797, ठीक है, इतना हो गया। अब भाग दे दो इसको 20 से, सही औसत निकल कर चला आएगा ये 89.85। ये देखिए डी में दिया गया, बिल्कुल सही, 36 का डी उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको करवाए गए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 37 दिया गया है, 1200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 8 साल में दोगुनी हो जाती है। ब्याज का दर हमें ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल, कहता है कि 1200 रुपए है और 1200 रुपए दोगुना होता है, इसका मतलब इसका ब्याज कितना हो गया, 1200 रुपए हुआ तभी तो ये दोगुना होगा, ऐसा ही फॉर्मूले में डाल दो। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से चलेंगे, पी इंटू टी इंटू आर बाय 100, क्योंकि बेसिक से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देखिए 1200 इक्वल्स टू 1200 इंटू टाइम हमें 8 साल का दिया, रेट हमें नहीं पता, ठीक है, तो आर सीधा निकाल दो ना, ये इससे वन टाइम में कट गया और ये ऊपर जाके हो जाएगा 1 × 100/8, ये इसको 12.5 टाइम्स में काटेगा, तो रेट इक्वल्स टू 12.5 निकल कर चलाया, जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 37 का सी उत्तर हो गया, ठीक है, आगे बढ़िए। 38 दिया गया है कि ए के चार विषय का जो औसत अंक है वह 91 है और शेष दो विषयों में 176 अंक प्राप्त किए, उनके सभी विषयों के अंकों का औसत ज्ञात करना है। बहुत खूबसूरत प्रश्न और आसानी से सॉल्व होगा। 4 × 91 = 364 और 176 और दो का था, इनको ऐड कर देते हैं, ये हो गए 540, ठीक है। अब 540 में क्या करेंगे, पहले तो चार सब्जेक्ट, फिर दो सब्जेक्ट जोड़े गए, कुल सब्जेक्ट 6 हो गए ना, तो 6 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 90 टाइम्स में कट गया, क्या उत्तर आ जाएगा 90 ना, बी में दिया गया है, तो 38 का उत्तर बी हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 39, थोड़ा सा इसमें समझना होगा और बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले कहता है कि 45 लीटर दूध का मिश्रण है और उसमें जो अनुपात है वह 2:1 में है, तो 45 लीटर यदि दूध इज टू पानी, कुल वजन 45 है, तो दूध कितना होगा, 2 रेशियो दिया गया है ना, 2:1 का रेशियो है, तो दूध का अमाउंट निकाल लो, तो दूध देखिए क्या हो जाएगा यहां पर 45 × 2/3, 15 से काटिए, इक्वल्स टू 30 लीटर दूध है, पानी कितना हो जाएगा, पानी आपका देखिए 15 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 15 लीटर पानी और 30 लीटर दूध। अब कहता है कि रेशियो जो है, पानी मिलाया गया कुछ और रेशियो चेंज होके 1:2 में आ गया। अब प्रश्न पे गौर दीजिएगा, पहले आपका 2:1 था, नया वाला 1:2 आ गया, इंक्रीमेंट कितना हुआ, दोगुना ना, तो दोगुना क्या हो जाएगा 1 × 2 = 2 × 2, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, दूध को तो बराबर रखना होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि पानी हमने कितना ऐड किया, तो 2:4 निकल के आ गया, ठीक है। अब 4 निकल के आया, इसका मतलब कितना गुना हमने पानी ज्यादा डाला, देखिए 4 − 1 = 3, तो 15 × 3, क्योंकि एक जो है वह 15 के बराबर है, तो 15 × 3 = 45 लीटर, आसानी से निकल गया, जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 39 का डी उत्तर हो गया। बहुत ही अच्छा, बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और बहुत ही आसानी से सब प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न कहता है यहाँ पर a = b = 7:9, b = 5:9, देन वैल्यू ऑफ a = c निकालना है। मैंने आपको बता रखा है ना, a = b = c, यहां से हमें ac निकालना है, तो a = b = 7:9, b = c = 5:7, देखिए भैया कर दीजिए आराम से, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, 63, क्या पूछा है आपसे, a और c ना, तो a और c निकाल लो यहां पर, a = c = 35:63, इसको सॉर्ट कर सकते हो, 7 × 5 = 7, 9 = 5:9 निकल के चलाया, तो 5:9 यहां पर आपको a में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जाम SSC GD आने वाला है, तो उन सभी का PDF आपको स्टोर पे दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का दिक्कत आए तो वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच शेयर करें, और रीजनिंग की वीडियो आपको जल्द ही नेक्स्ट डे दे दी जाएगी, ठीक है।